भी बहुत नेचुरल लगे हैं पिक्चर में. ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग कोई भी हमें से एक्टिंग कर रहा हो. हम लोग तीनों ही एक अलग अलग कैरेक्टर के बच्चे बच्ची हो बच्चे हैं और एक बहुत छतांच है शरीर से कुछ बहुत चुलबुले लेकिन कुछ मम्मी डैडी के बीच हो रहा है तो कुछ सीरियस होने वाले ऐसे बहुत नेचुरल बच्चे लगे हैं. और इसका रीजन है मिस्टर शेखर कपूर कि उन्होंने हमें ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं. ये तो अभी जब जाके हम लोग पिक्चर देखते हैं तो पता चलता है कि सच अ ब्रिलियंट डायरेक्टर वी हैड टू वर्क विथ, यू नो, दैट वॉज नाइस रियली. लेकिन जहां तक मुझे याद आता है एज अ डायरेक्टर रिमेम्बरिंग हिम ऑन द सेट तो यही याद आता है कि बहुत ज्यादा जो आपको करना है करो, जो करना है वो करो. ऐसे कोई पाबंदी नहीं थी कि ये मत करो वो मत करो. ये आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म की बात मेरे समझ में जरा कम आती है. मुझे लगता है फिल्म इज अ फिल्म एंड इट शुड बी अ गुड फिल्म. जो लोग देखे पसंद करे, एंटरटेन फील करे, कुछ उनके तीन घंटे अच्छे कट जाए तो बेहतर है. और जहां तक परफॉर्मेंसेज का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आई मीन कमर्शियल पिक्चरों में और आर्ट पिक्चरों में कोई खास एक आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा डिफरेंस महसूस करना चाहिए एक्टिंग में. पर एज एन आर्टिस्ट इज कंसर्न मुझे लगता है कमर्शियल पिक्चरों में भी उतना ही अच्छा काम करना चाहिए जितना आर्ट पिक्चरों में. ऐसा नहीं होता कि कमर्शियल पिक्चरों में ही आप एक्टिंग करते हो या आर्ट फिल्मों में ही करते हो. वो अलग अलग लेवल्स पे है, अपनी अपनी जगहों पे है. लेकिन ये बेहतर है वो बेहतर नहीं है कोई नहीं कह सकता. पिक्चर अच्छी होनी चाहिए और आपका काम अच्छा होना चाहिए, दैट इज व्हाट फाइनली काउंट्स. मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट के लिए लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव अगर हो सके तो इससे ज्यादा बढ़कर चीज कोई नहीं हो सकती. मैं जब पहली पिक्चर रिलीज हुई थी नरसिम्हा, उस वक्त मैं थिएटर में गई थी और सडनली आई एम स्टैंडिंग और एक गाने के बीच में सडनली मैं उसको बाजू में हटा के डांस शुरू करती हूँ. ओ माय गॉड, द वे पीपल रिएक्टेड टू दैट, इट वाज माय डे. मुझे ऐसा लगा कि वो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, यू नो. देन फॉर चमत्कार आई वेंट. सो द मोमेंट सडनली मेरी एंट्री होती है, मैं हीरो को किक कर देती हूँ और मैं आती हूँ, मैं उसको ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलती हूँ एंड सडनली आई स्टार्ट सिंगिंग बिच्छू मुझे काट खाएगा एंड द पीपल आर लिटरली स्वेइंग टू द सॉन्ग एंड यू फील कि मैन दिस इज ग्रेट. तो वो है. फिर द्रोही के लिए एक गाना था जो जिस गाने में मैंने कुछ साड़ी वाड़ी डाली है, काफी सेंशियस कैन का गाना था. और मुझे एक चीज जरूर बतानी चाहिए, जब हमारी ट्रायल चालू थी तो ऑफ ऑल द पीपल श्रीदेवी जी पिक्चर देखने आई थी और जब पिक्चर खत्म हुई तो उन्होंने मतलब शी मेड इट अ पॉइंट टू आस्क द डायरेक्टर द प्रोड्यूसर कि हू इज दिस गर्ल एंड शी सो गुड इन दिस सॉन्ग. तो मुझे ऐसा लगा कि एक मेरे जैसे आर्टिस्ट को जिसने अभी अपना करियर शुरू किया है, काम करना पिक्चरों में शुरू किया है, उनको इतनी बड़ी एक्ट्रेस के मतलब और कौन मतलब व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर, यू नो. इट वाज रियली नाइस कि शी कॉल्ड मी एंड मैं उनको जाके मिली और मैं दो मिनट तक ऐसे थी और मुझे कहती वेरी शी वाज टेलिंग मी यू वेरी नाइस, आपने वो गाने में बहुत ही बेहतरीन डांस किया है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए हैं. और मैं पूरी ऐसे रही, My God, I don't believe this. It was that kind of a moment for me because she is like the queen in whereas those type of songs are concerned. और एक मेरी बात है कि मैं साड़ी डाल के ठीक तरह से चल तक नहीं सकती और वहां मैं जोरों शोरों से डांस कर रही हूँ साड़ी में, तो मैं काफी कॉन्शियस थी एंड सडनली शी कॉम्प्लीमेंटेड मी एंड दैट वॉज लाइक आई फेल्ट मैन दिस इज गुड. देन श्रीमान आशिक अगेन आई वेंट अगेन दैट वॉज गुड. सो मैं काफी बहुत बार जाती हूँ थिएटरों में और चेक करती हूँ कि लोग क्या मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कितना कर रहे हैं, कौन सी चीजें ऐसी जो उनको ज्यादा पसंद है, कौन सी चीजें यू नो वो ज्यादा लाइक करते हैं. वो बहुत बिकॉज फाइनली इट इज देम हु डिसाइड हाउ गुड यू आर, इजंट इट.